नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। मैं बताने जा रही हूँ, चींटियों को आटा देने से मिलती है लक्ष्मी कृपा। ध्यान रखिए ये आसान उपाय। घर में धन संपत्ति बनाए रखने के लिए घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। यदि घर में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो धन लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जानिए घर परिवार पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने और धन लाभ पाने के कुछ उपाय। घर की धन संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। खाने के लिए बनाई जा रही पहली रोटी या चावल का कुछ भाग गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता नहीं रहती। आटे के लिए गेहूँ शनिवार को पिसवाने का नियम बनाएं। हो सके तो गेहूँ में थोड़े से काले चने भी मिला लें। इसके अलावा शनिवार के दिन खाने में किसी न किसी तरीके से काले चने का प्रयोग करें। सुबह घर के किसी भी सदस्य के नाश्ता करने से पहले घर की झाड़ू जरूर लगा लें। घर में शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। घर पर स्थापित भगवान की मूर्तियां या तस्वीरों पर रोज सुबह स्नान करके कुमकुम चंदन और फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को किसी एक सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान देने का नियम बनाएं। सफ़ेद रंग की समान जैसे दूध, खीर, सफ़ेद फूल, चावल आदि का दान करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन के लेन देन संबंधी कोई भी काम करने के लिए सोमवार और बुधवार को चुनें। इस दिन किया गया धन का लेन देन फायदेमंद माना जाता है। घर की दीवारों या फर्श पर पेंसिल या चाक आदि के निशान ना बनाने दें, इससे कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। चेक बुक, पासबुक या पैसे के लेन देन से जुड़े कागजों को श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि के पास रखें। घर की तिजोरी में लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र जरूर रखें, ऐसा करने से तिजोरी में धन हमेशा बना रहता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।